नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित करकटा और आप देख रहे हैं डिफरेंट आइडिया टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 12 वोल्ट बैटरी चार्जर बनाएंगे जो कि 3 एम्पियर का होगा। इस तरह से ये जो हमारा बैटरी को चार्ज करेगा। तो चलिए इसका बनाना सीखते हैं। ये तो हमने एक SMPS पावर सप्लाई का कैबिनेट ले लिए, उसमें एक 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर जो कि 12012 इस तरह से हम लगा के इसमें दो पंचिंग कर देंगे इस तरह से, ताकि हम इसमें स्क्रू लगा सकते हैं। देख सकते हैं ये पंच हो चुका है। और एक 0 PCB बोर्ड लेंगे छोटा सा और इसमें दो होल कर देंगे और इसको भी ये बॉडी में बैठा के इस तरह से मार्क करेंगे और इसमें पंच करके इसमें भी होल कर देंगे, ताकि हम PCB को ठीक तरह से बैठा सके। इस तरह से हम स्क्रू लगा के दो स्क्रू इस तरह से लगा देंगे और जो हम थोड़ा लंबा सा एक्सटेंशन लेंगे और इसमें इस तरह से डाल देंगे और जो हमारा PCB है उसको इस तरह से लगा देंगे और उसके ऊपर में नट लगा देंगे। ये तो हमारा PCB बैठ चुका है और ट्रांसफार्मर को इस तरह से स्क्रू लगा देंगे दोनों साइड में और एक स्विच लेंगे, इसको भी इस तरह से लगा देंगे। ये तो हमारा स्विच लग गया। अभी ये जो हमारा 220 वोल्ट का इनपुट है ट्रांसफार्मर का इनपुट, उसे हम इस तरह से लगा देंगे। ये हमारा सोल्डिंग हो चुका है, ये इनपुट जो कि 220 वोल्ट होगा। फिर अभी हम एक 25 वोल्ट 4700 माइक्रोफराड का एक कैपेसिटर लेंगे, इसे हम PCB बोर्ड में इस तरह से बिठा देंगे प्लस माइनस देख के। ये हमारा सोल्डिंग हो चुका है। अभी हम डायोड लेंगे जो कि डायोड का पॉजिटिव को कैपेसिटर का पॉजिटिव के साथ में इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। दो डायोड लेंगे, दोनों को इस तरह से लगा देंगे और एक डायोड लेंगे, उसको हम माइनस में लगा देंगे। डायोड का माइनस साइड को कैपेसिटर का माइनस साइड में लगा देंगे और ये जो हमारा ट्रांसफार्मर का वायर को इस तरह से सोल्डिंग कर देंगे। दोनों ट्रांसफार्मर का दोनों साइड वायर को लगा देंगे और जो बीच का वायर है उसे ग्राउंड कर देंगे जो कि माइनस होगा। और एक LED लेंगे छोटा सा, इसमें 1K रजिस्टर के साथ में माइनस और प्लस में इस तरह से लगा देंगे जो कि हमारा पावर इंडिकेटर होगा। और एक डायोड लगाएंगे, इस डायोड के साथ स्विच कनेक्ट करेंगे जो कि हमारे बैटरी के साथ में होगा। ये एक हमने वायर लगा दिए इसको स्विच के साथ में और एक माइनस के लिए वायर इस तरह से हमने माइनस में लगा दिया। अभी हमारा जो बन के रेडी हो चुका है और एक केबल इस तरह से 220 वोल्ट इनपुट के लिए इस तरह से लगाएंगे और इसको जो हम अपना बोर्ड में प्लग इन करेंगे। ये तो हमने प्लग इन कर दिए। अभी देखते हैं, ये हमारा इंडिकेटर ग्लो हो रहा है। अभी हम ये वोल्टेज चेक करते हैं। देख सकते हैं ये 17.3 वोल्ट आ रहा है, यानी कि हमारा बैटरी जो आसानी से चार्ज हो जाएगा क्योंकि हमारा बैटरी रहता है 12 वोल्ट का। जबकि देखते हैं ये पावर सप्लाई से हम बैटरी चार्ज कर सकते हैं और इसमें LED भी चला सकते हैं इस तरह से। ये हमारा 3 एम्पियर का 12 वोल्ट बैटरी चार्जर बन चुका इस तरह से। अभी इसमें कवर लगा देंगे, कवर हमारा लग चुका है इस तरह से। ये हमारा ऑन ऑफ स्विच देख सकते हैं और ये
हमारा बैटरी, बैटरी के साथ हम पॉजिटिव और नेगेटिव लगा देंगे इस तरह से, तो ये हमारा बैटरी चार्ज होने लगेगा इस तरह से। और अभी हम इसमें बैटरी चार्ज कर सकते हैं और इसमें हम किसी भी 12 वोल्ट का एलईडी चला सकते हैं, देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। तो दोस्तों आप भी इस तरह बैटरी चार्जर बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।